सुना रही हूँ मेरी कहानी विदा। बस्ती सन्नाटे में डूब चुकी थी। दिन भर की चहल पहल के बाद घर के बाहरी बरामदे सूने पड़े थे, दरवाजे बंद हो चुके थे और उनकी झिरी से दिखती रोशनी जता रही थी कि बस्ती अभी जाग रही है। लोग खा पीकर बिस्तर में जाने की तैयारी में थे। पुरवैया होली की लपटों की तपिश से अपना रूप पलट चुकी थी। टेसु विदा होने की और गुलमोहर फूट पड़ने की तैयारी में थे। अधिकांश खलिहान बोरियों में समेटे जाकर कोठे में पड़े थे तो कुछ अभी भी ठंडी हवा में सिहर रहे थे। महुए की गमक यदा कदा हवा की लहरों पर सवार होने लगी थी। ढम ढमा ढम ढम सन्नाटे को चीरती नरुआ ढोली की आवाज ने उमती बस्ती की नीरवता भंग की। बंद दरवाजों के भीतर लोग चौंक पड़े। कुछ असमंजस में थे तो कुछ जान चुके थे कि आवाज कहां से आ रही है। कुछ भूल चुके थे और कुछ भूलने का बहाना किए थे कि आज दाखा के बयाने का न्योता था। कुछ न्योता पाते ही नकार चुके थे तो कुछ इस इंतजार में थे कि कोई जाता दिखेगा तो हम भी खड़े खड़े शामिल हो जाएंगे। दिन ढले नरुआ ढोली को बस्ती में आते भी कईयों ने देखा था, ढोल बजने का इंतजार भी किया था और जब देर तक आवाज नहीं आई तो उसे भूल भी चुके थे। ढोल की आवाज के साथ हल्के सुर में गाने की आवाज ने लोगों का कौतूहल बढ़ा दिया। कुछ किवाड़ खुले, किसी ने खिड़की पर रखी तेल पाउडर की शीशियां हटाकर थोड़ा सा पल्ला खोला और उसमें से झांका। कुछ जो आवाज की दिशा में देख नहीं पाए उन्होंने पीछे के आंगन से पड़ोस की काकी ताई बुआ को आवाज देकर क्या हो रहा है, कौन वहां गया है यह जानना चाहा। सभी की उत्सुकता का द्वार पूरा खुला था लेकिन घर का मुख्य द्वार बंद था। अटारी पर चढ़कर देख लेने वाले पूरी मुस्तैदी से दूसरों को खबर देने की अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन्होंने देखा नरुआ ढोली पूरी तन्मयता से ढोल बजा रहा था और दाखा सीधे पल्ले की पीली साड़ी, हाथ भर चूड़ियां, कंगन, हार पहने, बालों में गजरा और गले में फूलों की माला पहने बन्नी गाते हुए घर के सामने आंगन में नाच रही थी। दाखा की बूढ़ी माई दरवाजे पर बैठी दाखा के हाँफने से टूट रही तान को अपने बूढ़े स्वर का सहारा देकर संभाल रही थी। भरे पूरे शरीर और ऊंची कदकाठी की दाखा ने जीवन के 35 बसंत अकेले ही पार कर लिए थे। माता पिता की इकलौती संतान दाखा के सिर से पिता का साया 18वें बसंत में ही उठ गया था और उनकी चिता के साथ ही उसकी जिंदगी के अरमान भी भस्म हो गए थे। थोड़ी सी जमीन थी जिस पर चचेरे भाइयों की नियत लगी थी। यह बात दाखा का बाप जीते जीते ही भाप गया था और पत्नी और बेटी को आगाह भी कर गया था। काका की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और खानदान के वारिस होने के अधिकार से चचेरे भाइयों ने खेत में अपनी झोपड़ी बांध ली। उनके अनुसार लड़की का कोई हक नहीं था। पिता की लाडली दाखा अपने शोक को परे रखकर कमर में फेंटा कसे खुद से भी हाथ भर ऊंचा लठ लेकर पहुंच गई थी खेत पर और रणचंडी बनी सब पर टूट पड़ी। जो सामने आया उसका सिर फोड़ा, झोपड़ा तहस नहस किया और अपनी चोटों को लेकर पहुंच गई थाने। बाप की मौत का दुख वहां जाकर बुक्का फाड़कर फूट पड़ा। पुलिस की गाड़ी में बैठकर जब दाखा घर आई तो रिश्तेदार एक एक कर खिसक गए। काका ताऊ ने रोते हुए अपने जख्म दिखाए तो दरोगा ने दाखा की तरफ आंखें तरेर कर देखा। दाखा ने अपनी बेगुनाही के लिए कोई गुहार नहीं लगाई बल्कि दर्द और दुख से जूझते हुए डट कर खड़ी रही और ऐलान कर दिया कि अपने जीते जी बापू की जमीन किसी और को नहीं जोतने दूंगी। लड़का नहीं है तो क्या, जमीन मेरे बाप की है और अब मेरी। दरोगा भला आदमी था। दाखा की कम उम्र की नासमझी देख बस्ती के 2-4 बुजुर्गों के साथ बैठकर उसने मामले को रफा दफा किया। दाखा की माँ को रिपोर्ट करने की ऊंच नीच समझाई और काका ताऊ को नए नियम कानून बताए। दाखा को मनाने में खासी परेशानी भी हुई, वह भरी बैठी थी। बापू के गम के साथ अपनों के धोखे ने उसे आहत किया था। सब दुश्मन नजर आ रहे थे। ऐसे में किसी की बात मानना खुद को कमजोर महसूस करना हो रहा था। माई की आंसू और बड़े बुजुर्गों के दखल के बाद किसी तरह वह मानी थी।
बापू के कारण में उसने किसी भाई को पगड़ी नहीं पहनने दी। सबके सामने घोषणा कर दी, बापू की वारिस वह, उनकी जिम्मेदारी उसकी, तो पगड़ी भी वही पहनेगी। यह उसका डर तो नहीं था, हाँ माई और खुद के प्रति खुद की जिम्मेदारी का एहसास था, जिसे वह सबको बता देना चाहती थी। खूब थू थू हुई, काका ताऊ बिना खाए चले गए, बातें बनी और खूब चली। दाखा ने पगड़ी पहनी और खेत खलिहान और माई की जिम्मेदारी भी खूब उठाई। रिश्तेदारों का विरोध और तेवर कुछ सालों में ठंडे पड़ गए। उस शाम दाखा खेत से लौटी तो घर के बाहर दो जोड़ी बड़ी बड़ी चप्पलें देखकर ठिठक गई। उनके घर तो कभी कोई आता जाता नहीं था। माई कई बार खुद के अकेले होने का दुखड़ा उसके सामने रो चुकी थी। बुरा तो उसे भी लगता था, लेकिन किसी से बातचीत करने की मिन्नत तो नहीं की जा सकती। चप्पलें देख जाने क्यों उसका मन आशंकित हो गया। ताऊ अपने बड़े बेटे के साथ खटिया पर बैठे थे। माई उनके सामने जमीन पर घूंघट निकाले बैठी हूँ हाँ कर रही थी। जवान बेटी का टेम बेटेम खेत जाना, आदमियों की तरह हल बखर करना, खानदान का नाम, कलंक, ऊंच नीच सभी वे माई को समझा चुके थे। दाखा प्रणाम करके अंदर चली गई, हाथ पांव धोकर चाय बना लाई। रिश्ता लाए थे ताऊ, साले का विधुर बेटा, 3 बच्चों का बाप। दाखा का खून खौल गया। ताऊ को बाहर छोड़ते हुए दाखा ने दृढ़ स्वर में कहा, ताऊ जी बिसनवा के लिए कोई दूसरी लड़की देख लेना, अभी मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई है। ताऊ फड़फड़ाते चले गए। काका को भनक लगी, तो अगले महीने वो अपनी साली के बेटे का रिश्ता ले आए। ताऊ काका में इस बात को लेकर कहा सुनी हुई तो दोनों लड़कों के गुण दोष उजागर हो गए। सावन की भीगी रातों में दाखा अकेली जलती रही। बसंत की हिलोरें उसके मन में भी उठती गिरती रहीं। नदी के पानी में पैर छपकाते कहीं दूर क्षितिज को देखते किसी का इंतजार बना रहा। लहराती फसल सी आस निराश बहती रही। काका ताऊ की नियत उजागर होने से गांव बस्ती के और लोगों को भी रास्ता मिल गया। माई के पास बस्ती वालों की आवाजाही बढ़ गई। माई को जमाने की ऊंच नीच खुद की जिम्मेदारियां समझाई जाती। दाखा की सख्त ताकीद थी, उसे बताए बिना किसी से कुछ नहीं कहना। अब दाखा पहले की तरह तूफान नहीं उठाती थी। बस्ती वालों से हंस बोलकर माई का समय भी कट जाता था। अकेले और पराये हो जाने का दुख धीरे धीरे कम हो चला था। कभी कभी माई भी उसे ऊंच नीच समझाती। दाखा का एक ही जवाब होता, जो मुझसे शादी करना चाहेगा, जमीन से नहीं। कल को जमीन खुद के नाम करवा कर तुझे मुझे घर से बाहर कर दे तो। माई ये सब मतलब के रिश्ते हैं, जमीन के हिस्से के बदले सौदा है। शादी उससे करूंगी जो तेरी जिम्मेदारी भी उठाए, तुझे बुढ़ापे में अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माई क्या कहती, उम्र के साथ अकेले पड़ने की आशंका उसे भी खाई जा रही थी। दाखा के सोने जीवन में कई बार बसंत ने दस्तक दी। उसका तन मन पलाश सा दहका, उमंगे गुलमोहर की कली सी चटकी, लेकिन वह प्रेम के आगोश में भी चकित हिरणी सी ही रही। अपनों के धोखे ने उसे चौकन्ना रहना सिखा दिया। बातों बातों में मन की थाह लेना उसने सीख लिया था। प्रेम के परे की मंशा समझकर क्रोध और दुख की आंधियां उस पर छा जाती और कच्ची अंबियों से उसके अरमान बिखर जाते। कई दिनों तक ठूंठ मन लिए वह घंटों अकेले खेत पर बैठी रहती और फिर माई को याद कर वापस लौटती। जिसकी वह हो जाती, जमीन तो उसे ही मिलती, लेकिन उसने अपनी चाहना को जिद बना लिया था कि पहले उसे अपनाया जाए। रिश्तेदार गांव बस्ती वाले साजिश कर जिससे उसका परिचय करवाते, वह प्रेम की सुवास के नीचे लालच की गंध में लिपटा रहता, जो जल्दी ही उजागर हो जाती। उस दिन सावन की रिमझिम में वह ककड़ी खाते खेत से घर लौट रही थी, जब गांव के छोर पर 2 कमरों के उस मकान से जलने की बदबू, खांसने की आवाज और बच्चे के रोने की आवाज आई, जिससे उसके कदम ठिठक गए। खिड़की से झांक कर देखा, 35-40 साल का वह आदमी गीली लकड़ियों के धुंधाते चूल्हे पर खांसते आंखें मलते हुए झुका था। पास ही 5-6 साल का बच्चा आंखें नाक मसलते हुए चीख रहा था और खाट पर एक बुढ़िया मुंह लपेटे लस्त-पस्त पड़ी थी। दाखा की हंसी छूट गई, जो उस आदमी द्वारा देखे जाने पर करुणा में बदल गई। गांव के स्कूल में आया वह मास्टर
बूढ़ी माँ और बच्चे के साथ जीवन की जद्दोजहद में लगा था। उसके सावन शरद बसंत बीवी के साथ ही चले गए थे, जो उसके सीधेपन से आजीज आकर भाग गई थी। पहले तो दाखा ने सोचा मुझे क्या, लेकिन कुछ तो था उन निरी आंखों में जिसने उसके कदमों को ही नहीं मन को भी बांध लिया था। चुनकर सूखी लकड़ियों से चूल्हा जलाते उसने उन आंखों की कृतज्ञता देखी तो रीझ गई। उस घर से आती भात की सौंधी खुशबू जब गांव तक पहुंची, सबके कलेजे पर सांप उड़ गए। जात पात के नाग ने सिर उठाया लेकिन फुफकार न सका। दाखा की दबंगई और इतने सालों की असफलता ने जल्दी ही सबको समझा दिया था कि इन तिलों से तेल नहीं निकलेगा। मास्टर दाखा के मन की कोमलता पर रीझ गया तो दाखा उसके सीधेपन पर। लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं थी, देखभाल करते दाखा के भीतर की औरत और माँ को संतुष्टि मिलती थी, जो प्रेमिका होने से कहीं ज्यादा बड़ी तसल्ली थी। मास्टर अपनी नौकरी में खुश था, उसे दाखा के खेत घर से कोई मतलब नहीं था। उसे तो खेती की कोई समझ ही नहीं थी। दाखा की माँ को वह सम्मान देता था, उनके पास बैठकर बातें करता। उसका बेटा जब उनकी गोद में बैठता तो माई का दिल भर आता। दाखा अभी भी असमंजस में थी, माई को छोड़कर जाने का ख्याल उसे कमजोर करता। इतने साल अकेलेपन से लड़ी खुद की लड़ाई को यूं झाड़ जाना बेमानी लगता, माई ने उसे समझाया। उनके बाद दाखा के अकेले होने की दुहाई दी। मास्टर ने फैसला दाखा पर छोड़ दिया। खेत की कमाई जीवन भर दाखा की रहेगी, वह अपनी मास्टरी से उसे दो रोटी खिला सकता है, वह बता चुका था। दाखा का मन इस सांत को छोड़ने का नहीं था। आशंकाओं के फन दिनों दिन बैठते जा रहे थे। अंततः उसने फैसला कर लिया, खुद ही पंडित से मुहूर्त निकाला, खुद ही दोनों घरों में लिपाई छपाई की। न्योता तो पूरी बिरादरी और बस्ती को गया था, लेकिन कुछ भलाई बुराई और कुछ नाराजगी के डर से कोई नहीं आया। पांच बहने नरुआ ढोली के ढोल पर दाखा खूब नाची। मास्टर बेटे का हाथ पकड़कर अकेले ही आया। माई ने द्वारचार किया, आधी रात तक पंडित के मंत्रोच्चार गूंजते रहे, फेरे हुए बंद किवाड़ों के पीछे लोग कसमसाते रहे, कुंडी खोलते लगाते रहे। बस्ती में खेलती दाखा हर घर में काकी हुआ ताई कहकर लड़ियाती दाखा, किसी की भी जरूरत पर दौड़ती दाखा, पिता की लाड़ली पगड़ी पहनती दाखा, खेत जोतती फसल काटती जमाने से अकेले जूझती दाखा, आज हर आंख हर दिल में जूझ रही थी। वही दाखा आज अकेले फेरे ले रही है। सुबह 4 बजे माई और दाखा के संवेद रुदन ने बस्ती की तंद्रा को तोड़ा। कई आंखें बह निकली और कई झपक कर तकिए में जज हो गई। चावल पछाड़ती दाखा के पीछे आंचल पसारे खड़ी माई के कंधे पर किसी की हथेली का सहारा मिला। दुख क्रोध भलाई बुराई को छोड़कर एक एक औरत बाहर निकलती गई। विदा होती दाखा से एक एक कर बस्ती की औरतें गले मिली। किसी ने उसके हाथ पर रुपए रखे, किसी ने उसके पैर पड़े। विदा के इस दुख की पीड़ा सभी ने झेली थी, जात पात स्वार्थ से जो ज्यादा गहरी थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।